शहजादा और प्रतीक्षा की बढ़ती नज़दीकियों ने दोनों को किया शो से बाहर। समृद्धि शुक्ला ने किया बड़ा खुलासा। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ तलमा सिद्दीकी। टेलीविजन का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों सोशल मीडिया और मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट्स बटोर रहा है, क्योंकि इस शो में लीड एक्ट्रेस को लेके ही बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। जी हाँ, दरअसल इस शो में अरमान और रोहिणी का किरदार निभाने वाले शहजादा धामी और प्रतीक्षा हॉर्नमुखे को रातों रात ही शो से बाहर निकाल दिया गया था और इसके बदले में उनका रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया गया था। लेकिन जब से इन दोनों को इस शो से बाहर निकाला गया है, तब से तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है। कोई कह रहा है कि इनकी हरकतें ठीक नहीं थी, तो कोई कह रहा है कि इनकी बीच नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन इस शो में अभीरा का किरदार निभाने वाले समृद्धि शुक्ला ने शहजादा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उन्होंने अपने और शहजादा के रिश्ते के बारे में बताया है। अभीरा ने कहा है कि दरअसल शहजादा बहुत ही प्रोफेशनल था, वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी करता था और हम दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं गलत था। वेल, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही परफेक्ट था, वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता था। यानी कि अभीरा तो शहजादा धामी यानी कि अरमान से खुश थी, लेकिन जो शो के मेकर्स थे उन्हें ही अरमान का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था। और खबरें ये भी आ रही थी कि जिस दिन उन्हें शो से निकाला गया था उस वक्त अरमान और रूही के बीच नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और रूही अरमान की किसी बात पर हंसती हुई भी दिखाई दी थी, जिस वजह से शो के मेकर्स ने गुस्से में आकर उन्हें निकाल दिया था। वेल, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही सारी खबरें सामने आ रही हैं। ये न्यूज़ अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।